दोस्तों आईपीएल पिच रिपोर्ट स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सनराइजर हैदराबाद के होम ग्राउंड की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में होने वाले आईपीएल 2024 के मुकाबलों के लिए पिच रिपोर्ट की। यहां पर कुल मिला के 6 महत्वपूर्ण मुकाबले आईपीएल 2024 को खेले जाएंगे, जबकि हैदराबाद की टीम अपने होम ग्राउंड में पहले मुंबई से 27 मार्च को, फिर सीएसके से 5 अप्रैल को, आरसीबी से 25 अप्रैल को, राजस्थान से 2 मई को, गुजरात टाइटन से 16 मई को और वेन्यू का आखिरी मुकाबला पंजाब किंग्स से 19 मई को खेलेगी। इस वीडियो में हम समझेंगे इस पर होने वाले मुकाबलों में हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, पिछले सीजन जो मुकाबले हुए थे वहां पर किस प्रकार की क्रिकेट हमको यहां पर देखने को मिली थी, सब कुछ जानेंगे। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन दबाने के साथ साथ। वहीं पर दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुटे तो टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर लिंक ना काम करे तो सीधे टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके आप जा सकते हैं। यहाँ पर टॉस के बाद सभी आईपीएल मुकाबलों का पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए बिल्कुल प्रीमियम फैंटेसी टीम भी देते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच के बारे में, तो एक ऐसी पिच है जहां पर अच्छी बैटिंग होती है, बल्लेबाजी से के लिए काफ़ी बेहतर पिच है, रनों से भरपूर ये पिच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गेंदबाजी डल होती है। यहाँ पर गेंदबाजों के लिए थोड़ा ही सही लेकिन असिस्टेंस तो रहता है। यहाँ पर 80% बल्लेबाजों की असिस्टेंस पिच रहती है, जबकि 20% में गेंदबाजी भी यहाँ पर कमोबेश अपना इम्पैक्ट दिखाती नजर आती है। अब तक कुल मिला के यहाँ पर 71 आईपीएल के मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 31 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 40 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। इस दौरान अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 159 और दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 148 का है। हाईएस्ट टोटल होस्ट टीम सनराइजर हैदराबाद के नाम है, जो कि 2019 में आरसीबी के अगेंस्ट 2 विकेट पे 231 रन बनाने का है। तो लोवेस्ट टोटल में 2013 में जबकि दिल्ली कैपिटल का नाम दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करता था, सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट मात्र 80 रन बना के ऑल आउट होने का है। हाईएस्ट रन चेज यहां पर राजस्थान रॉयल्स के नाम है, जो कि इस समय सनराइजर हैदराबाद का नाम 2008 में डेक्कन चार्जर हुआ करता था, तो यहां पर डेक्कन चार्जर के अगेंस्ट 217 रन बना के मुकाबला जीतने का है। तो लोएस्ट टोटल में यहां पर सनराइजर हैदराबाद की टीम पुणे वॉरियर, जो कि 2013 में खेल रही थी, इसके अगेंस्ट अपना मुकाबला डिफेंड किया था 126 रन के योग को और मुकाबला जीता था। अब दोस्तों 71 मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 35 बार, 150 से 169 तक का योग 10 बार, 170 से 189 तक का योग 12 बार और 190 प्लस भी यहां पर 14 बार बनते देखा गया है। बात करें दोस्तों यहां की बाउंड्री की, तो मीडियम साइज की बाउंड्री यहां पर देखने को मिलती है, जहां पर स्क्वायर बाउंड्री लगभग 66 से 69 मीटर के रेंज की, तो वहीं पर स्ट्रेट बाउंड्री 69 से 71 मीटर के रेंज की देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहां पर कई सालों से मुकाबले होते आ रहे हैं आईपीएल की शुरुआत से ही, तो वहीं पर दोस्तों अगर हम लेटेस्ट मुकाबलों की ओर देखें तो पिछले सीजन आईपीएल 2023 में कुल मिला के 7 मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला जो कि खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच, राजस्थान की टीम पहले खेलती है, टॉप 3 खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, जोश बटलर, संजू सैमसन के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 203 बनाती है, फिर हैदराबाद को 131 पर रोकने के साथ साथ 72 रनों की बड़ी जीत हासिल करती है राजस्थान की टीम। अगले मुकाबले में पंजाब किंग्स रहती है हैदराबाद के सामने और पंजाब किंग्स की बैटिंग कोलैप्स करती है, धवन के 99 के बावजूद भी 143 तक ही पहुँच पाती है। इसके बाद हैदराबाद राहुल त्रिपाठी के 74 की बदौलत आसानी से मुकाबला 17.1 ओवर में 2 विकेट पर 145 करके जीत जाती है। हालांकि मैन ऑफ द मैच धवन को ही मिलता है, जो कि हारी हुई टीम के खिलाड़ी होते हैं। अगले मुकाबले में मुंबई थी यहां पर हैदराबाद के सामने और मुंबई 5 विकेट पर 192 रन बनाती है और अपने स्कोर को डिफेंड करते हुए सनराइजर हैदराबाद को 19.5 ओवर में 178 पर ऑल आउट करते हुए मुकाबला जीत लेती है। अगले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल थी यहां पर हैदराबाद के सामने और ये लो स्कोरिंग मुकाबला था। यहां पर दिल्ली कैपिटल 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन का छोटा सा योग बनाती है, जिसको कि हैदराबाद के अगेंस्ट सक्सेसफुली डिफेंड भी करती है, 6 विकेट पर 137 तक ही पहुंच पाती है हैदराबाद की टीम और दिल्ली की टीम 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज करती है। अगले मुकाबले में केकेआर थी हैदराबाद के सामने, केकेआर 9 विकेट पर 171 बनाती है, हैदराबाद को 166 पर रोकने के साथ साथ
5 रनों से मुकाबला जीतती है। वहीं पर वेन्यू के अगले मुकाबले में जब हैदराबाद के सामने लखनऊ थी, यहां पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था। हैदराबाद 6 विकेट पर 182 बनाती है, जिसको कि 19.2 ओवर में मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 185 करते हुए लखनऊ की टीम मुकाबला जीत लेती है। तो वहीं पर दोस्तों इस वेन्यू का आखिरी मुकाबला जो अब तक आईपीएल में हमको देखने को मिला था, पिछले सीजन आईपीएल 2023 का 65वां ये मैच था। यहां पर हैदराबाद की टीम 5 विकेट पर 186 रन बनाती है 20 ओवर के गेम में। तो वहीं पर आरसीबी की टीम मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवरों में 187 करते हुए मुकाबला जीत लेती है। तो आपने देखा यहां पर किस प्रकार के स्कोर पिछले सीजन बने थे, और इस दौरान जो 7 मुकाबले खेले गए थे कुल मिला के 87 विकेट गिरे। पहले इनिंग में गिरने वाले विकेटों की संख्या 48, तो वहीं पर दूसरे इनिंग में गिरने वाले विकेटों की संख्या 39 देखने को मिली थी। तेज गेंदबाजी कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर 48 विकेटों का रहा, पहले इनिंग के 30 और दूसरे इनिंग के 18। तो वहीं पर स्पिनर्स के नाम भी 29 विकेट देखने को मिले, पहले इनिंग के स्पिनर्स ने 17 विकेट अपने नाम किए, दूसरे इनिंग के स्पिनर्स के हाथ में 12 विकेट। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें काफ़ी हद तक बैलेंस खेल देखने को मिला था पिछले सीजन, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ा ज़्यादा एज पाई थी। हम उम्मीद करेंगे कुछ इसी प्रकार के मुकाबले यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।